नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ पश्चिमोत्तासन। ये पश्चिमोत्तासन ऐसा होता है मेरे दोस्तों, इसमें हम अपने पश्चिम भाग का उत्तान करते हैं। और पश्चिम भाग हमारा कौन सा होता है, शरीर में चारों दिशाओं में तो आपको पता ही है कि पूरब सामने, ठीक सामने पूरब होता है तो ठीक है, पीठ पीछे पश्चिम, पर ऐसे दाईं ओर दिशा उत्तर, ये उत्तर और दक्षिण का जो होता है शरीर में, उत्तर का एरिया होता है सर और दक्षिण का एरिया होता है नीचे का एरिया, और पूरब का एरिया शरीर का सामने का होता है और पश्चिम का एरिया होता है हमारा पीछे का। पीछे का यानी यहाँ से लेके पीछे, ये हमारा पीछे ही है, यहाँ से ये सारा पीछे का एरिया जितना भी ऊपर सर तक यहाँ तक, ये सब मेरा पीछे का है। तो इसी का उत्तान करना, इसी में खिंचाव पैदा करना, इसमें ऑक्सीजन पहुँचाना, इसमें खून का सर्कुलेशन बढ़ाना ही पश्चिम उत्तान आसन होता है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इसको करने के बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। बड़े बड़े आसनों को लोग महत्व देते हैं, छोटे आसन ही सबसे मेन कारगर होते हैं। आप छोटे छोटे आसनों से शुरुआत करें, इन सब आसनों से शुरुआत करनी चाहिए, ये शुरुआत के बिगनर्स के आसन हैं और इसको सभी कर सकते हैं, इसको छोटे बड़े बूढ़े जो भी सभी कर सकते हैं इस आसन को। इस आसन में क्या होता है, हमें अपने पीछे के भाग का खिंचाव करना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले अपने पैरों को सीधा करके और अपने रीढ़ के हड्डी को एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट बनाते हुए सीधा, दंड आसन बोलते हैं, इस दंड आसन में आ जाते हैं, जिससे हम अपने शरीर को सूचना पहुंचा देते हैं कि हम ये आसन पश्चिम उत्तान आसन करने जा रहे हैं। हम कोई भी आसन करने जाएं, उसके पहले हमें अपने शरीर को सूचना पहुंचा देनी चाहिए कि हम ये आसन करने जा रहे हैं, जिससे कि फिर उसमें इंजरी के सारे चांसेस समाप्त हो जाएं, आपके शरीर में कोई दिक्कत ना आए फिर। तो इसके लिए हम क्या करें, पैर को स्ट्रेट करें और थोड़ा सा अपने पंजों को पीछे की तरफ खींचें। इसको पीछे की तरफ खींचने से क्या होगा कि ये हमारा ऐसे नहीं हो जाएगा, जैसे हम नीचे की तरफ जाने लगे तो ये हमारा पैर इधर की तरफ जाने लगता है, इधर को घूमने लगता है। तो इसके लिए हम पंजों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके रखेंगे। आप अगर बैठ ना कर सकें इसको, तो आप अपने नीचे बोल्स पिल्लो लगा लें, तकिया लगा लें, तकिया लगा के बैठें, तो जिससे आप यहाँ पीछे से थोड़ा आपके हिप्स ऊंचे हो जाएंगे, तो जिससे आपको आगे झुकने में बहुत ही आसानी होगी। आगे झुकने के लिए कुछ लोग एकदम ऐसे ही झुक जाते हैं, ऐसे नहीं झुकना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। आप इसको सीधा रखेंगे मेरुदंड को, तभी पश्चिम उत्तासन हो पाएगा, तभी हमारा पीछे के भाग रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव आएगा और हमारे इन पिंडलियों में खिंचाव आएगा, यहाँ की मांसपेशियाँ, ये हमारी नरम होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये नरम होना चाहिए। ये नरम होगा पश्चिम उत्तासन से। इसको करने के लिए हम सीधा स्ट्रेट हुए, सांस को भरेंगे, पहले 3 बार हम सांसों को भरेंगे, लंबी लंबी गहरी सांस भर के छोड़ेंगे, तीन बार लंबी गहरी सांस भरने के बाद हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हम यहाँ जाएंगे, इसको अपने पंजों को पकड़ेंगे। शुरू शुरू में मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ नहीं जा पाएँ तो आप अपने अंगूठे को ही पकड़ें, ऐसे अंगूठे को नहीं पकड़ सकते तो क्या करें आप, फिर आपके लिए होना चाहिए यहाँ पे एक बेल्ट लगा लें, वो बेल्ट बना लें, कपड़े का बेल्ट बना लें, रस्सी का बेल्ट बना लें, यहाँ पे कोई भी बेल्ट बना के इसमें फंसा के आप उसको ऐसे खींच सकते हैं और ऐसे अपने सर को पैरों में लगाना होता है, तभी आपका पीछे का पूरा भाग
और ये इसके पैरों के पीछे का पूरा भाग पूरी तरह से उत्तान हो पाता है, इसमें खिंचाव आ पाता है, इसमें खून के सर्कुलेशन अच्छी तरीके से पहुंच पाते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरीके से पहुंच पाती है। तो इसके लिए क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं सांसों को भरते हुए, उसके बाद सांसों को छोड़ते हुए रीढ़ के हड्डी को पूरा सीधा करते हुए आप यहाँ पे ले आएं, और घुटने पूरी तरीके से सीधे होने चाहिए, रीढ़ पूरी तरीके से सीधा होनी चाहिए, आपके पैरों को यहाँ आना चाहिए, घुटने में पूरी तरीके से घुटने में लगने चाहिए, फिर ऊपर ले जाके सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाना है। ये हमारा पश्चिमोत्तासन है मेरे दोस्तों। किसी भी आसन को कम से कम 3 बार तो आप ज़रूर करें, कम से कम 3 बार ज़रूर करें, और आप अगर नीचे रुक सकें तो 1 मिनट तक रुकें, 1 मिनट स्टे करने की कोशिश करें। शुरुआत में आप हल्के हल्के करें, 10 सेकेंड रुकें, 20 सेकेंड रुकें, 30 सेकेंड रुकें, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप नीचे जाके रुकना शुरू करें। इससे आपकी पिंडलियाँ, ये मांसपेशियाँ और पीछे इतना बढ़िया खिंचाव हो जाता है, इनमें लचक आ जाती है। मेरे दोस्तों, आप जिम करके एक्सरसाइज करके कैसी भी बॉडी बना लें, उससे वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता। जब उसको आप छोड़ देते हैं तो आप उससे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन व्यायाम एक ऐसा है, आसन एक ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसा आसन है, आप इन सब चीज़ों को अगर योग आसन योगाभ्यास करते हैं तो आप उसको जब तक करते हैं तब तक तो उसका लाभ मिलता ही मिलता है, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो उसका नुकसान कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका आगे आने वाले समय के लिए और भी लाभ मिलता है। तो योग आसन किया गया कभी भी अभ्यास आपका नुकसान नहीं जाता, आप इसको ऐसे भी करते रहा करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप धीरे धीरे करें, किसी भी क्रिया को एकदम से ना करें, आप जब किसी भी क्रिया को झटके से करते हैं तब उसमें नुकसान होता है। अब आप आराम से धीरे धीरे योगा अभ्यास को करें, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ हाथ ले जाएं, इससे आपके मेरुदंड एकदम सीधा हो जाता है, पैरों को पीछे की तरफ खींचें और सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को पैरों के पंजों को पकड़ें और धीरे धीरे अपने सर को अपने पैरों हाथ आपके तालू में चले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हो तो आपके तालू में हाथ चले जाएंगे, आपका सर धीरे धीरे आपके घुटने में टच हो जाएगा। तो आप इसको धीरे धीरे फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर उसके बाद आप अपनी स्थिति में आ जाएं। कम से कम एक किसी भी क्रिया को 3 बार तो आपको करना ही चाहिए। तो आप इसको करें पश्चिमोत्तासन, इसके बहुत ही बड़े लाभ हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ करता है। सामने के भाग को तो आप सभी लोग स्वस्थ कर लेते हैं किसी तरीके से, पर पीछे के भाग को कोई नहीं स्वस्थ करने के लिए सोचता। ये पश्चिमोत्तासन पीछे के लिए है, पीछे के सभी हिस्सों के लिए, पूरे आपके सर से लेके एड़ी तक, नीचे चोटी तक, चोटी से लेके एड़ी से लेके चोटी तक, ये पश्चिमोत्तासन आपके पीछे के लिए है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको करें और इसके लाभ उठाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम आप सबको, नमस्कार।